प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी सुबह भी भक्तों का लगा रहा तांता। कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने के लिए रामलला के दर्शन। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मंगल आरती के साथ दर्शन निरंतर जारी। वहीं मौके पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार मौजूद। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही लोगों की भारी भीड़। भीड़ को देखकर डीजी प्रशांत कुमार का बयान, प्रमुख गृह सचिव और मुझे यहां व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजा गया। अयोध्या में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बढ़ाने का लिया फैसला। अब रात 10 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे बालक राम के दर्शन। पीएम मोदी ने युवाओं और महिलाओं से की खास अपील, कहा वंशवाद और राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर रचेगा इतिहास, तीनों सेनाओं की महिला सैनिक करेंगी मार्च। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जयपुर दौरा कल, इस दौरान पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे पर हो सकती है चर्चा। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, राष्ट्रपति भवन ने किया ऐलान। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बहुत बड़ा फैसला लिया। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर खड़गे ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा। राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश, हिंसा करने का आरोप, असम में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने की दी चुनौती, कहा जितना संभव हो पुलिस उतने मामले दर्ज कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। राहुल गांधी ने पेश किया न्याय का 5 सूत्री खाका, बोले देश को मजबूत करने में मिलेगी मदद। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को दिया बड़ा झटका, तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव पर सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा इस बार चुनाव ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में ईडी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची, जहां पर ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी रहे मौजूद। कांग्रेस ने पंजाब में उत्तराखंड के लिए किया चुनाव समिति का गठन, नवजोत सिंह सिद्धू को मिली जगह। भारत फ्रांस और यूएई की वायुसेना ने किया अभ्यास, राफेल MiG-29 समेत कई एयरक्राफ्ट बने हिस्सा। उत्तर भारत में फिर बड़ी गलन, कई जगह घने कोहरे के साथ गिरा पारा, अगले 4 दिन राहत नहीं। इजरायली सेना पर बड़ा हमला, गाजा में हमास के साथ लड़ाई में 21 सैनिकों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव को लेकर बड़ा बयान, बहुत सारे आतंकवादी आ रहे हैं इसलिए चुनाव निष्पक्ष कराने होंगे। विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार को टेस्ट सीरीज में मिला मौका, हैदराबाद में टीम से जुड़ने की खबर। एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत, कहा कुछ बिंदुओं पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करने की जरूरत। 43 की उम्र में रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचकर बने नंबर 1।